हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये बताने वाला हूँ Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 दोनों ही डिवाइस में जो कि लेटेस्ट स्टेबल अपडेट आया था Android Pie का नया सिक्योरिटी पैच फरवरी के साथ में M1 के लिए 0.61 का और M2 के लिए 0.73 का जो अपडेट आया था। तो इस अपडेट में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को बैटरी ड्रेन इशू हो रहा होगा, तो काफ़ी लोगों को बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। मगर मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि इस अपडेट को करने के बाद अगर आप अपने फ़ोन में पबजी मोबाइल खेलोगे तो आपकी बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, क्या असर पड़ रहा है आपकी बैटरी पे, जल्दी ड्रेन हो रही है कि धीमे धीमे ड्रेन हो रही है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हैं JTech Lab। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 में नया स्टेबल अपडेट आया था Android Pie का, तो उसमें काफ़ी सारे मेरे यूज़र हैं और बाकी के जितने भी यूज़र हैं मेरे ख्याल से सभी लोग को बैटरी ड्रेन इशू हो रहा होगा, खास करके M1 में तो हो रहा है जबकि मेरे फ़ोन M2 में भी हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पबजी मोबाइल थोड़ा सा गेम प्ले खेल के भी दिखाऊंगा और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि मेरा बैटरी कितना ड्रेन इशू हो रहा है, बैटरी पे क्या असर पड़ रहा है पबजी मोबाइल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बैटरी अभी फ़िलहाल इतना परसेंट चार्ज है। अब इसके बाद मैं इस पबजी को गेम खेलने वाला हूँ, चाहे तो आपको मैं स्क्रीन पे भी ये गेम प्ले दिखा देता हूँ, साइड में मेरा फोटो लगा रहेगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना परसेंट बैटरी उतर गया है, ठीक है, ड्रेन कितना परसेंट हुआ है मेरे Max Pro M2 में, ठीक है। उसके बाद आप सब लोग डिसाइड करना कि मेरे Max Pro M2 में बैटरी जल्दी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको गेम प्ले दिखा दिया है, साथ में आपको बैटरी भी दिखा दी है, गेम खेलने से पहले कितनी परसेंट बैटरी थी और गेम खेलने के बाद कितना परसेंट बैटरी रह गया है, ठीक है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये गेम था, ये पबजी मोबाइल लाइट था, ये पबजी मोबाइल फुल वर्जन नहीं था, ये लाइट वर्जन था। तो आप समझ सकते हो लगभग मैंने इस गेम को 8 से 9 मिनट खेला हुआ है मुश्किल से, और कोई सेटिंग भी मतलब नॉर्मली पबजी लाइट में सेटिंग कुछ हाई ग्राफिक की तो रहती नहीं है, नॉर्मल ग्राफिक की ही रहती है। लेकिन बैटरी पे क्या असर हुआ है, बैटरी में आपको दिखा देता हूँ, 79 थी जैसे कि मैंने आपको बैटरी बताई थी, ठीक है, 79 पे थी, और अब खेलने के बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 73 पे ये बैटरी, 74 पे ये बैटरी अब आ चुकी है। तो 8 मिनट के गेम में पबजी मोबाइल लाइट फुल वर्जन भी नहीं, 74 से लेके 79 कितना परसेंट, मतलब लगभग 5-6% का फर्क पड़ गया है, मतलब हर मिनट में 1-1% बैटरी उतर रहा है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि Asus ZenFone Max Pro M2 में मेरे साथ ये इशू हो रहा है कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। अगर मैं फुल वर्जन का पबजी मोबाइल खेलूँ तो और ज़्यादा बैटरी पर असर पड़ेगा और जल्दी बैटरी ड्रेन होएगी, ठीक है। तो आप भी कमेंट करके बताना आपकी बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, और इसके क्या फिक्स करने के, ये Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 दोनों ही डिवाइस में आप पबजी मोबाइल कौन सा लाइट खेल रहे हो या हाई फुल वर्जन वाला पबजी मोबाइल खेल रहे हो, और आपकी बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो ये सारी बातें मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इस नए अपडेट में आपको बैटरी किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है गेमिंग के लिए। तो यार आप सभी को पता है जैसे कि इंडिया में लॉकडाउन चालू है, सभी लोग घर पे हैं, मतलब वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल पाता है, सारे लोग हैं, सारे लोग शोर करते हैं, तो समय ढूंढना पड़ता है कब लोग शांत बैठे, कब मैं वीडियो बनाऊँ।
और अगर थोड़ी सी भी आवाज आ रही होगी तो माफी चाहता हूँ यार, थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, टाइम निकाल के, थोड़ा समय निकाल के पब्लिक देख के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।